हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं सादिक। आज की वीडियो में हम बतलाएंगे कि माइलेज आप अपनी बाइक का किस तरह से नाप सकते हैं। माइलेज जो चेक करने का है वो नापने का है, आपको सटीक जानकारी देंगे। 100% आपको हम सटीक जानकारी देंगे, परफेक्ट जानकारी देंगे कि आपकी बाइक का माइलेज कितना दे रहा है। 45 हो, 46 हो, 47 हो, जो भी हो, आपको हम नाप करके सटीक तरीके से बताएंगे। ये हमारे पास ग्लैमर बाइक है। आपको क्या करना है, बाइक का सबसे पहले पेट्रोल को ऑफ कर देना है। पेट्रोल ऑफ करने के बाद कार्बोरेटर में एक स्क्रू होता है, यहाँ पे इस स्क्रू को आपको ढीला करना है। जब हम ढीला करेंगे तो इनसे पेट्रोल गिरेगा, तो हम ढीला कर लेते हैं। ये ढीला कर लिए हम, यानी कि इस स्क्रू को हम इसलिए ढीला कर रहे हैं कि जितना भी कार्बोरेटर के अंदर जो तेल हल्का सा मौजूद है वो सारा तेल निकल जाए, कार्बोरेटर हमारा खाली हो जाए। कुछ मैकेनिक भाई क्या करते हैं कि कार्बोरेटर का तेल नहीं छुलाते हैं और डायरेक्ट माइलेज नाप लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा सारा कार्बोरेटर का जो पेट्रोल है हमने निकाल लिया हूँ और इसे हमने टाइट कर दिया हूँ। टाइट कर लेने के बाद आपको लेफ्ट साइड जाना है। हमने लेफ्ट साइड आ गया हूँ। लेफ्ट साइड आने के बाद आप, ये हमारा पेट्रोल ऑफ है, आपको एक डब्बा लेना है। ये माइलेज नापने के लिए डब्बा होता है। इस डब्बे के अंदर आपको 50 ml पेट्रोल लेना है। इस डब्बे के अंदर 50 ml पेट्रोल लेना है। ये लंबा जो लकीर है, इस लकीर के पास 50 ml होता है। तो हमने इतना पेट्रोल ले लिया हूँ। पेट्रोल 50 ml लेने के बाद इसको हल्का सा दबा करके कार्बोरेटर में आपको लगा देना है। ये माइलेज का डब्बा का जो पाइप है हमने कार्बोरेटर में लगा दिया हूँ। और इसे क्या करना है कि ऑन कर देना है। हमने ऑन कर दिया हूँ। एक आदमी इसे पकड़ के रखे हैं। हमारा ये भी पाइप खुला हुआ है। अब जो भी पेट्रोल जाएगा वो हमारा डायरेक्ट जाएगा। उनके बाद क्या करना है, ये हमारा ग्लैमर बाइक है, ग्लैमर HO। चाबी ऑन कर लेना है। चाबी ऑन करने के बाद बाइक को न्यूट्रल कर लेना है। उसके बाद आपको बाइक को स्टार्ट कर लेना है। हमने स्टार्ट कर लिया हूँ बाइक को। आप यहाँ पे देखिएगा कि बाइक में जो पॉइंट है, ये पॉइंट के बाद वाले जो अंक है, जैसे एक अंक, इसी को आपको गिनना है कि ये कितना हो रही है। तो हम, बाइक हमारा खड़ा है, हमने क्लच दाब के एक नंबर लगा दिया हूँ, दो भी लगा दिया हूँ, तीन भी लगा दिया हूँ। ये हमारी गाड़ी चल रही है 20 के स्पीड। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पॉइंट के बाद जो एक है इस पर आपको ध्यान देना है। ये हमारा बढ़ना चाहिए, ये हमारा स्पीड भी चल रही है, 20 का स्पीड है। देखिए अभी एक पॉइंट बढ़ा है, यानी एक से दो हो गया है। इसी को गिनती करना है कि 50 ml पेट्रोल में हमारा कितना चलता है, उसी से आपको अंदाज़ा सटीक लग जाएगा। तो अभी दो हुआ है, ये हमारा तीन हो गया है, इसको आपको गिनती करना है, यानी कि अभी दो पॉइंट हुआ है। ये हमारा डिब्बा हमारा सामने है, ये हमारा डिब्बा का पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है, हल्का हल्का है। तीन के बाद देखिए चार हो गया है।
यानी कि 3 पॉइंट अभी चल चुकी है, 3 पॉइंट, 5 होगा तो 4 पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि पहले से एक था। देखिए 4 पॉइंट अभी हो गया है, ये 5 पॉइंट हो गया है। और ये हमारा डब्बा का देखिए, पेट्रोल हमारा सारा कार्बोरेटर में चला गया है जैसे लग रहा है। 5 पॉइंट अभी हो चुका है, छः पॉइंट हो गया है। और ये देखिए कार्बोरेटर में हमारा तेल, अभी भी थोड़ा सा है, 6 पॉइंट अभी हुआ है हमारा। सात पॉइंट हो गया है, 0.5 पॉइंट ये डब्बा को थोड़ा थोड़ा हिलाइएगा ताकि जो बचा हुआ है पेट्रोल चला जाए। ये हमारा लग रहा है कि सारा पेट्रोल ख़त्म हो गया है, और इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। 8 पॉइंट हमारा हो चुका है, पहले से एक था इसीलिए हम एक माइनस करके गिन रहे हैं, 8 हो गया है। 8 के बाद यानी 0 हुआ तो 9 हो गया है, 9 के बाद फिर 10 होगा, एक जैसे होगा तो समझ लीजिए 10। ये हमारा 10 हो गया है, सिर्फ इस पॉइंट को ध्यान देना है, ये वाला 10 हो चुका है हमारा, इसको ध्यान देना है। 10 के बाद जैसे 2 होगा तो समझ लेना है कि 11 पॉइंट हो गया है। ये हमारा 11 पॉइंट हो गया है, हमारी बाइक भी चल रही है, 11 पॉइंट हो चुका है। और हमारी देख लीजिए ये चक्का भी चल रहा है, 11 पॉइंट हो गया है। ये हमारा 12 पॉइंट हो गया है। ग्लैमर एचओ में हम बाइक को नहीं भी चलाएंगे फिर भी हमारी मीटर चलेगी, क्योंकि इनमें डिजिटल मीटर होता है, इंजन से कनेक्ट होता है, इसी वजह से ये हमारी, ये देख लीजिए 13 पॉइंट हो गया है। हम बाइक खड़े करके डबल स्टैंड में बाइक को स्टार्ट करके गियर लगा दिए हैं और ये हमारा चल रहा है, 13 पॉइंट हो चुका है। 5 जैसे होगा तो 14 हो जाएगा, 14 पॉइंट हो गया है। ये डब्बा में हमारा तेल भी ख़त्म हो गया है, 14 पॉइंट हो गया है। ये हमारा पेट्रोल देखिए यहाँ तक आ चुका है, कितना पॉइंट हुआ, ये हमारा 15 पॉइंट हो गया है, यानी कि 6 पर है, ये वाला जो है 6 पर है, यानी 15 पॉइंट अभी हो चुका है, 16 पॉइंट हो चुका है। सत्रह पॉइंट हो चुका है। सिर्फ आपको पॉइंट गिनना है, बाकी और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ पॉइंट। 17, 18 हो गया है। अगर हम पॉइंट को नहीं पकड़ेंगे तो फिर हमारा माइलेज सटीक नहीं हो पाएगा,
क्योंकि अगर 16.9 है तो यानी कि जैसे यानी कि 16.9 है तो 1 किलोमीटर हो जाती है। इसलिए आपको क्या करना है, पॉइंट पर ध्यान देना है। 19 हो चुका है मेरा, 1 होगा तो फिर 20 पॉइंट हो जाएगा। देखिए 20 पॉइंट हो चुका है, 20 पॉइंट का मतलब हो गया कि 2 किलोमीटर हमारी बाइक रन कर चुकी है। 20 पॉइंट के मतलब 2 किलोमीटर बाइक रन की है। 30 पॉइंट के मतलब 3 किलोमीटर बाइक रन की है। तो ये 2 हो गया, 21 हो गया है, 21 पॉइंट हो गया है, 22 पॉइंट हो गया है, 23 पॉइंट हो गया है, और ये देख लीजिए हमारा पेट्रोल भी ये ख़त्म हो रहा है। अभी भी है हल्का सा बाइक में पेट्रोल। अब इस डिब्बा को हम खोल लेते हैं। अब इसे हम खोल लेते हैं। इसे हम खोल लिए हैं क्योंकि डब्बा का जो पेट्रोल है वो सारा हमारा निकल चुका है। अब जो कार्बोरेटर के अंदर जो तेल मौजूद है उसी से हमारी बाइक चल रही है। तो ये हमारा 26 पॉइंट तक पहुंच चुका है। 7 के मतलब हो गया है कि 26 पॉइंट। 27 पॉइंट हो चुका है, 28 पॉइंट हो चुका है, 20 पॉइंट को ध्यान देना है, सिर्फ पॉइंट को आपको देखना है। 28 पॉइंट हो चुका है, ये हमारा 29 पॉइंट हो चुका है, 1 आएगा 30 पॉइंट। 30 पॉइंट के मतलब हो गया है कि हमारी बाइक 3 किलोमीटर रन कर गई है। एक पर आ गई यानी कि 3 किलोमीटर हमने बाइक को चला लिए हैं। 50 ml से 3 किलोमीटर बाइक चली है। ये हमारा 31 पॉइंट हो चुका है। अब यानी कि लग रहा है जैसे कि पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। अब कुछ देर में ये बंद हो जाएगी। देखिए बंद होने वाली है, बंद हो गई। यानी कि हमारा 31 पॉइंट चला है। तो आपको समझ लेना है 30 ही पॉइंट चला है। तो 30 पॉइंट चलने के मतलब हो गया कि 3 किलोमीटर। अगर 50 ml में 3 किलोमीटर चल रही है तो 100 ml में 6 किलोमीटर हो गया। यानी कि 1 लीटर अगर हम पेट्रोल डलवा रहे हैं तो ये ग्लैमर बाइक जो है हमारी 60 का माइलेज दे रही है। तो 60 इधर हो गया, 1 पॉइंट बढ़ने के वजह से यानी कि 61 का माइलेज है। ये हमारी बाइक अभी बतला रही है कि 61 का माइलेज है इस बाइक के अंदर। तो आपको क्या करना है कि पॉइंट पर ध्यान देना है। अगर पॉइंट पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो 18.9 है, अब बाइक कीजिएगा तो 8 से 9 किलोमीटर हो जाएगा, 1 किलोमीटर तुरंत गिनती हो जाएगा। तो आपको पॉइंट पर ध्यान देना है। और आपको पता चलिए 31 पॉइंट चला है, 50 ml में 30 समझ लीजिए 30 पॉइंट चला है।
तो कितना हो गया कि 100 ml में 6 किलोमीटर यानी 60 का माइलेज, 1 पॉइंट ज़्यादा चला यानी 61 का माइलेज। तो ये हमारे ग्लैमर बाइक 61 का माइलेज दे रही है। आपको हमने सटीक जानकारी बताया हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।